नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। भारत में हिमाचल प्रदेश को देव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस धरती पर जगह जगह देवी देवताओं का वास है। धार्मिक दृष्टि से शिव ही इस धरती का शुभारंभ और अंत है, या यूं कहें यह समूचा ब्रह्मांड शिव ही है। धरती पर जगह जगह पर शिवालयों की मौजूदगी शिव की महिमा का बखान करती है। देवभूमि पर ही एक ऐसा रहस्यमय अर्धनारीश्वर शिवलिंग काठगढ़ महादेव मंदिर में है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से आकार लेने वाले दो भागों में विभाजित शिवलिंग का गर्मियों में अलग होना व सर्दियों में एक होना सदियों से एक रहस्य है, जो इंसान की समझ ही नहीं साइंस की समझ से भी परे है। कहाँ स्थित है अर्धनारीश्वर शिवलिंग काठगढ़ मंदिर? देवभूमि के कांगड़ा जिले की इंदौरा सब डिवीजन में स्थित काठगढ़ महादेव मंदिर विश्व का इकलौता मंदिर है, जहां पर शिवलिंग दो भागों में विद्यमान है। दो भागों में विभाजित शिवलिंग के एक रूप को मां पार्वती व दूसरे भाग को भगवान शिव का हिस्सा माना जाता है। काले रंग का यह शिवलिंग अष्टकोणीय है। अर्धनारीश्वर रूप में पूजे जाने वाले शिवलिंग की ऊंचाई 7 से 8 फीट और पार्वती के रूप में आराध्य का भाग 5 से 6 फीट ऊंचा है। अर्धनारीश्वर शिवलिंग का शिवरात्रि को होता है मिलन। शिवपुराण की विधेश्वर संहिता के अनुसार पद्म कल्प के प्रारंभ में एक बार भगवान श्री ब्रह्मा और भगवान श्री विष्णु के बीच श्रेष्ठ होने का विवाद पैदा हो गया। दोनों देव दिव्यास्त्र लेकर युद्ध करने के लिए अग्रसर हो गए। स्थिति को देख शिव वहां पर आदि अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। तब दोनों देवताओं के दिव्यास्त्र शांत हो गए। दोनों देव ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस स्तंभ के आदि अंत का मूल जानने के लिए जुट गए। विष्णु जी शुक्र का रूप धरकर पाताल गए, मगर अंत ना पा सके। वहीं ब्रह्मा जी आकाश से केतकी का फूल लेकर विष्णु के पास पहुंचे, बोले, मैं स्तंभ का अंत खोज आया हूँ, जिसके ऊपर यह केतकी का फूल है। ब्रह्मा जी के इस झूठ को देखकर भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। तब शंकर जी ने कहा कि आप दोनों समान हैं। यह अग्नि तुल्य स्तंभ काठगढ़ के रूप में पूजा जाने लगा। ईशान संहिता के अनुसार इस शिवलिंग का प्रादुर्भाव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को हुआ था। भगवान शिव का भी यह दिव्य लिंग शिवरात्रि को ही प्रकट हुआ था। इसलिए लोक मान्यता के अनुसार काठगढ़ महाशिवलिंग के दो भाग भी चंद्रमा की कलाओं के साथ करीब आते हैं और दूर होते हैं। शिवरात्रि के दिन ही इनका मिलन माना जाता है। शिवरात्रि के अवसर पर हर साल यहाँ पर 3 दिवसीय भारी मेला लगता है। इस दिन भगवान शिव की शादी माता पार्वती के साथ हुई थी। उनकी शादी का उत्सव मनाने के लिए रात में शिव जी की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेल पत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। सिकंदर ने बनवाए थे अष्टकोणीय चबूतरे। विश्व विजेता सिकंदर ईसा से 326 वर्ष पूर्व जब पंजाब पहुंचा, तो प्रवेश से पूर्व मीरथल नामक स्थान में 5,000 सैनिकों को खुले मैदान में विश्राम की सलाह दी। इस स्थान पर उसने देखा कि एक फकीर शिवलिंग की पूजा कर रहा था। फकीर से कहा कि तुम मेरे साथ यूनान चलो, मैं दुनिया का हर सुख दूंगा। फकीर ने सिकंदर की बात को अनसुना करते हुए कहा कि आप थोड़ा पीछे हट जाएं और सूर्य का प्रकाश मेरे तक आने दें। फकीर की इस बात से प्रभावित होकर सिकंदर ने एक टीले पर काठगढ़ महादेव मंदिर बनाने के लिए भूमि को समतल करवाया और 4 दीवारी बनवाई। इस 4 दीवारी के ब्यास नदी की तरफ बनवाए अष्टकोणीय चबूतरे आज भी मौजूद हैं। शिवालय की 4 दीवारी में यूनानी शिल्पकला का प्रतीक व प्रमाण आज भी मौजूद है। महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था पुनरुद्धार। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने जब गद्दी संभाली तो समूचे राज्य के सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया था। जब वह काठगढ़ पहुंचे तो बेहद आनंदित हो गए। उन्होंने इस आदि शिवलिंग पर एक सुंदर मंदिर बनवाया। मंदिर बनने के दौरान वह यहीं पर मौजूद रहे। महाराजा दशरथ ने करवाया था कुएं का निर्माण। त्रेता युग में जब महाराजा दशरथ की शादी हुई तो उनकी बारात पानी पीने के लिए यहाँ पर ही रुकी थी। बारात की प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर एक कुएं का निर्माण भी किया गया था। यह कुआं आज भी यहाँ स्थापित है। जब भी भरत व शत्रुघ्न अपने ननिहाल के कई देश वर्तमान कश्मीर जाते थे तो वह ब्यास नदी के पवित्र जल से स्नान करके राज पुरोहित व मंत्रियों सहित यहाँ स्थापित काठगढ़ शिवलिंग की पूजा अर्चना कर आगे बढ़ते थे। तो दोस्तों, यह थी काठगढ़ महादेव मंदिर से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।